हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेक्युलर पार्टी ने डोभी प्रखंड के मुंशी चक में किया गरीब जन संवाद कार्यक्रम। तो वहीं डोभी प्रखंड के ग्राम करहारा में तीन बच्चियों को नदी में डूबने से देहांत हो गया था, उनका परिवार जनों से मिलकर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने किया आर्थिक मदद। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा, गरीबों का दर्द हमारा दर्द है। उन्होंने खुले मन से कहा कि जो गरीबों से मकान के नाम पर, जमीन के नाम पर शोषण किया है, उसका अब खैर नहीं होगा, क्योंकि गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और उन्होंने भीड़ से कहा कि जब तक आपका बेटा बेटी या आपका परिवार लोकतंत्र के मंदिर में नहीं पहुंचेगा, तब तक आपका आवाज बुलंद नहीं होगा, आपका आवाज को दबा दिया जाएगा। अगर अपना आवाज को बुलंद करना है और अपना बेटा बेटी का भविष्य बनाना है, तो आपको अपना व्यक्ति को लोकतंत्र के मंदिर में भेजना होगा, तब आपके लिए कानून बनेगा और आपको अधिकार मिल पाएगा। इसीलिए हम पार्टी आपको जगाने और आपको बताने के लिए गांव-गांव जाकर हर गरीबों से मिलने का काम कर रही है। आपको बता दें कि गया जिला के डोभी प्रखंड में दो जगहों पर गरीब जन संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें पहला करमौनी के मेन रोड पर टोटो एजेंसी के समीप जयराम सिंह के अध्यक्षता में किया गया, दूसरा डोभी प्रखंड के बारी पंचायत अंतर्गत ग्राम मुंशी चक में गया जिला महासचिव विजय कुमार के अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सेक्युलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी उपस्थित रहे। साथ में प्रधान महासचिव राजेश पांडे एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी, अधिवक्ता शंकर मांझी, जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी, राम स्नेही मांझी, संतोष सागर जी, राकेश कुमार मांझी, मोहम्मद इकराम खान, योगेंद्र मांझी, छोटू मांझी, अजय कुमार, विजय कुमार एवं डोभी प्रखंड के तमाम कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। चलिए ताली बजाते हैं हम लोग के फिर के ऊपर। चलिए ताली बजाएं मोहम्मद इकराम खान साहब को सम्मानित करेंगे। हम जोरदार ताली सभी के साथ हम लोग के बीच। चलिए आप लोग ताली बजाते हैं। समाज के लिए जो काम आई जाए।